क्यों दीपक तिजोरी नहीं बने फिल्म का हिस्सा, कैसे हुआ शेट्टी अन्ना का बॉलीवुड डेब्यू, कौन अपने बेटे को अपनी डेब्यू फिल्म से बनाएंगे स्टार। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। 90s के एक्टर की बात करें तो सुनील शेट्टी के नाम का एक ऐसा एक्टर के तौर पर लिया जाता है जिसने अपनी बॉडी के जलवे से बॉलीवुड में एंट्री की और अपनी पहली ही फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में धमाका कर दिया। पर क्या आपको पता है कि ये रोल पहले दीपक तिजोरी को मिला था? एक इंटरव्यू के दौरान दीपक ने कहा कि बलवान फिल्म के लिए उन्हें साइन कर लिया गया था, पर सुनील शेट्टी आखिरी समय पर आ गए और फिल्म में पैसा लगाकर ये रोल दीपक तिजोरी से छीन लिया। इस बात का जब सुनील को पता लगा तो उन्होंने इस बात का जवाब देते हुए अपना बयान दिया कि सब झूठ है, और दीपक उनके मुंह पर आकर ये बोले। जिसके बाद दीपक ने इसका जवाब उनकी बॉडी, जिससे वो बॉलीवुड में एंटर हुए उसका डर बताया कि उनके पास बॉडी है और उसे कब कहां इस्तेमाल करना है सुनील को आता है। फिल्म बलवान से अपना बॉलीवुड करियर शुरू करने वाले सुनील शेट्टी को फिल्म बलवान उनके फोटोशूट के द्वारा मिला। हालांकि ऊपर बताए गए रीजन की बात करें कि वो बलवान में पैसे लगा के फिल्म में मेन लीड में आए, ये सच के अलावा ये भी कहा गया कि उनकी बॉलीवुड में शुरुआत उनकी बॉडी देखकर फिल्म बलवान के निर्देशक ने उन्हें हीरो के लिए चुना और ऐसे हुआ सुनील शेट्टी का बॉलीवुड सफर शुरू, और फिल्म बलवान के बाद रातों रात बॉलीवुड हीरो बन गए। सुनील शेट्टी को कई अवार्ड भी मिले उनकी एक्टिंग और एक्शन के लिए, और धड़कन फिल्म के बाद उनके बॉलीवुड का करियर आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच गया था। उन्होंने उसके बाद 8 करोड़ फीस लेना शुरू कर दिया था। लोगों को उनका काम बहुत पसंद आने लगा और आज फिल्म के 30 साल बाद तक हम उस फिल्म की बातें कर रहे हैं। अपनी डेब्यू फिल्म से ही रातों रात स्टार बन गए थे सुनील शेट्टी। उनकी बॉडी और डायलॉग डिलीवरी सबको इतनी पसंद आई थी कि बॉलीवुड में उनकी चर्चा होने लगी, और अब उनके बेटे ने बॉलीवुड डेब्यू किया है तड़प से। पर उनकी चर्चा बॉलीवुड में उनके पापा जितनी नहीं हुई, तो ऐसे में सुनील शेट्टी अपनी डेब्यू फिल्म जिससे उनको इतना प्यार मिला अपने बेटे को लेके बना सकते हैं। देखने में वो हूबहू अपने पापा यानी सुनील शेट्टी के तरह दिखते हैं और उनकी एक्टिंग का जलवा पहली फिल्म में देख चुके हैं, और ऐसे में उनका बलवान 2 में दिखना आहान के करियर के लिए एक अच्छी शुरुआत के रूप में दिखाई जा सकती है। और जितना प्यार उनके पापा को मिला वहीं उनको भी मिल सकता है और वो भी रातों रात एक स्टार बन जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या आहान बनेंगे बलवान अपने पापा की डेब्यू हिट को सुपर हिट बनाने में होंगे कामयाब? कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।